कपाट बंद है, जिंदगी तंग है। ये कहानी दुमका के बासुकीनाथ मंदिर से जुड़े लोगों की है। मंदिर पर आश्रित स्थानीय लोग, स्थानीय दुकानदार, पंडा पुरोहित का जीवन आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले पर कोरोना के बादल मंडरा रहे हैं। शासन प्रशासन की ओर से अब तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। ऐसे में श्रावणी मेले के भरोसे साल भर की अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करने वाले पंडा पुरोहितों सहित स्थानीय दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। इन्होंने अपने गुजर बसर के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज की गुहार लगाई है, साथ ही श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर सार्थक पहल की मांग की है। पिछले साल भी सावन नहीं लगा है, इस साल भी सावन नहीं लगना यहाँ के लोगों के जीवन मतलब जीवन को इस तरह से समझिए कि पूर्ण रूप से बर्बाद कर देना के समान है। इसलिए आर्थिक रूप से लोग जर्जर हो चुके हैं, सावन ही एक आसरा का केंद्र होता है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि सरकार इस पर जो है विचार करे, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत बाबू दुमका क्षेत्र से ही आते हैं, यहाँ के लोगों के जो आर्थिक पोजिशन वगैरह सब जानते हैं। सावन कितने बड़े क्षेत्र को रोजगार उपलब्ध कराता है इसकी भी जानकारी उन्हें है। ऑनलाइन सिस्टम के साथ एक रोजगार का रास्ता सरकार को खोलना चाहिए। ये मंदिर पर्पस ही चलता है, यहाँ का जितना भी दुकानदार है, फुटपाथ दुकानदार हो या आपका अपना दुकानदार करता हो, वो सिर्फ सावन पर्पस लेके चलता है। जिला प्रशासन से बहुत बार आग्रह कर किया गया है कि पंडा समाज को, फुटपाथ के दुकानदार समाज को, दुकानदार भाइयों को कि कुछ मुहैया कराया जाए ताकि उनका जीवन यापन में तो कष्ट ना हो, लेकिन सरकार लगता है जिला प्रशासन इसके लिए मौन बैठी हुई है। मंदिर से जुड़े हजारों पंडा पुरोहित, प्रसादी दुकानदार, फूल माला बेचने वाले या फिर पर्यटन से जुड़े सभी लोग प्रशासन की ओर से आस लगाए बैठे हैं। डीसी का दावा है कि अगर इस महीने हालात काबू में रहे तो सरकार मंदिर के खोलने पर कोई फैसला ले सकती है। साथ ही स्थानीय दुकानदार और पंडा पुरोहितों के लिए प्रशासन कुछ राहत पहुंचा सकती है। इसके लिए हम लोग पूर्व में भी एक जो सर्वे किया गया था, हम लोग ने उन सभी फैमिलीज को राशन कार्ड दिया जिनका लाइवलीहुड इफेक्ट हुआ था, और पिछले बार उनको राशन भी प्रदान किया गया था, और इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द लोग अपना टीका ले लेंगे तो लॉकडाउन हटेगा, और जिस तरीके से पर्यटक आते थे उस तरीके से दोबारा लोग आना शुरू करेंगे, और जो वहाँ के स्थानीय जनता जो बिजनेस क्लास के हैं, जो छोटे छोटे दुकानें चला रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए भी बहुत ही जल्द हम लोग विचार करेंगे। सरकार के गाइडलाइन के आलोक में बासुकीनाथ में दोबारा पर्यटक आने लगेंगे। हर किसी को मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार है, दुआ भगवान से है, उम्मीदें शासन प्रशासन से है। मंदिर का द्वार खुले तो जीवन का मार्ग प्रशस्त हो। प्रमोद कुमार, ईटीवी भारत, दुमका।